कहते हैं यात्रा ही जीवन का सार है, क्योंकि इसी में आनंद अपार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में, और यहाँ पे हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में। दर्शकों, कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले का विशेष महत्व है। देश के प्रमुख क्षेत्रों में नैनीताल की गणना होती है। ये छकाता परागने में आता है। छकाता नाम षष्टीघाट से बना है। षष्टीघाट का तात्पर्य 60 तालों से है। इस अंचल में पहले 60 मनोरम ताल थे, इसीलिए इस क्षेत्र को षष्टीघाट कहा जाता था। दर्शकों, कुमाऊं की पहाड़ियों में एक छोटा सा शहर नैनीताल एक सुंदर हिल स्टेशन है। ये तीनों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। नैनीताल का इतिहास भी दर्शकों बड़ा ही रोचक है। दर्शकों, कहा जाता है कि जब पीटर बैरन यहाँ पहुंचे थे तो नरसिंह थोकदार के पास नैनीताल का पूरा स्वामित्व था। पर ऐसा नहीं है दर्शकों कि नैनीताल पीटर बैरन की खोज से पहले ना हो। साल 1841 में ये शहर जरूर दुनिया के नजरों में आया, लेकिन इससे पहले इस स्थान को पवित्र भूमि माना जाता था। कहा जाता है दर्शकों के स्थान पर तीन ऋषि अत्रि, पुलस्त्य और पुलहा ने तपस्या की थी। माना यह भी जाता है कि जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। और इसके साथ ही दर्शकों, यहाँ झील के किनारे बसी नैना देवी का मंदिर भी विश्व प्रख्यात है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है और आस्था का केंद्र है। चौरासी में यह मंदिर यहाँ पर स्थापित हो गया था, बन के तैयार हो गया था। देखिए, यहाँ पर जो है देश विदेश से और संपूर्ण पूर्ण भारत से लोग आते हैं, और इसकी ख्याति बहुत ज़्यादा है। माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा है लोगों पर, और यहाँ पर लोग मनोकामना लेके जाते हैं, फिर पूरी होने पर आते हैं और बताते हैं कि भाई इस प्रकार से मनोकामना हमारी पूर्ण हुई। तो और यहाँ पर एक महोत्सव होता है जिसे नंदा देवी महोत्सव कहते हैं। यह स्थान तो आ गया माता नैना देवी यानी कि शक्ति स्थलों में से आ गया। जो हमारी नंदा देवी हैं वह हमारे उत्तराखंड की कुल देवी हैं, तो उनका इस स्थान पर सैकड़ों सालों से जो है एक महोत्सव होता है, मेला लगता है, जो अभी अभी गया हुआ है। माता नंदा और सुनंदा की मूर्ति बनती है और 5-7 दिन उनका पूजन होके, डोला भ्रमण होके, फिर उसका जो है विसर्जन हो जाता है। तो इसके अब दर्शन जो है इस समय गया हुआ है, अब साल भर में उनके दर्शन होंगे। इस पर्वतीय अंचल में नंदा की पूजा और अर्चना जिस ढंग से की जाती है वे अन्यत्र देखने में नहीं आती। नैनीताल की ताल की बनावट भी देखें तो वह आंख की आकृति का ताल है। इसके पौराणिक महत्व के कारण ही इस ताल की श्रेष्ठता बहुत आंकी जाती है। दर्शकों, यही नहीं, नैनीताल में घूमने के बाद सैलानी पीक देखना भी नहीं भूलते। आजकल नैनीताल के आकर्षण में रज्जू मार्ग यानी रोपवे की सवारी भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी है। कैंची धाम की बात करें दर्शकों, तो नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर किस्मत बदलने वाले बाबा कैंची धाम का मंदिर है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग समेत कई विदेशी लोगों को इस मंदिर से कामयाबी का रास्ता मिला है। देखना ना भूलें जनपद नैनीताल के इतिहास और पर्यटक स्थलों के बारे में द कंचन्ने के शो में शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर।